लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रमन के भाई ने कहा है कि उनके परिवार पर किसानों के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन पर दबाव है कि रमन की हत्या के लिए किसानों को दोषी बताएं, न कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष और उसके साथियों को। हालांकि रमन के परिजन शुरुआत से ही रमन की मौत का कारण आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे से कुचले जाने को बता रहे हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो रमन के भाई पवन ने बताया कि मेरे पिता और मैंने सभी को एक ही बयान दिया है कि रमन केंद्रीय मंत्री के काफिले में शामिल गाड़ी से कुचला गया और गोली मारी गई। कई पत्रकार और स्थानीय लोग अब हमसे ये कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसानों ने पीट पीट कर मारा, जो कि वास्तव में हुआ ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने रमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उन्होंने ही बताया है कि उसके शरीर पर सड़क पर घसीटने के निशान थे। पवन ने कहा कि मेरा भाई पत्रकार था, लेकिन हम किसान परिवार हैं। टिकैत ने जो भी कहा वो सही है। पवन ने आगे कहा कि अभी मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। मुझे कहा गया था कि हमारी शिकायत को एक दूसरी FIR के साथ अटैच करने की प्रक्रिया जारी है, जो कि पहले से दर्ज की जा चुकी है। किसानों की FIR में ही हमारी शिकायत भी जोड़ी जा रही है। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा था कि रमन कश्यप को किसान शहीद के रूप में गिना जाएगा। रमन के परिवार ने भी इस पर सहमति दे दी थी। इधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हुआ है, जिसमें पवन कह रहे हैं कि वे हमारे मुंह में शब्द घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे किसानों ने पीट पीट कर मारा। हमने कहा कि ये झूठ है, लेकिन इस पर राजनीति खत्म नहीं हो रही है। ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है, तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुँह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पवन ने बताया कि एक पत्रकार आए और कहने लगे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि रमन की मौत लाठियों से पिटाई के कारण चोट से हुई है। मेरी उनके साथ बहस हो गई। उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर मैं पत्रकार का भाई ना होता तो इतनी तमीज से बात ना करते। ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी आई नहीं है और वे लोग कहानियां बना रहे हैं। पवन ने कहा कि मैं उस वक्त शव गृह में था, मैंने चोट देखी थी। उन्हें लाठियों से नहीं मारा गया था, बल्कि घसीटने से उसकी मौत हो गई।